हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं जिग्सॉ वुड कटर मशीन, जो ब्लैक डेकर कंपनी की है। तो शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग। आप बॉक्स पर ब्रांड नेम पढ़ सकते हैं, ब्लैक प्लस डेकर। काफी पुरानी कंपनी है। एसडी ब्लैक और एजी डेकर, इन दोनों ने 1910 में इस कंपनी की स्थापना की थी और 2010 में स्टैनले वर्क्स में यह कंपनी मर्ज होकर अब स्टैनले ब्लैक एंड डेकर कंपनी बन गई है। चलिए बॉक्स ओपन करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो यह है ब्रांड न्यू जिग्सॉ वुड कटर मशीन। ये कुछ पेपर्स है, ऑथोराइज सर्विस सेंटर्स। चलिए इसे साइड में रखते हैं। और भी कुछ है इसमें, क्या है देखते हैं। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस है, मशीन किस तरह से ऑपरेट करनी है और कुछ सेफ्टी के बारे में बताया है जो हम कभी नहीं पढ़ते। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। और कुछ भी नहीं है। चलिए इसके साथ क्या दिया है देखते हैं। चलो इसे भी साइड में रखते हैं। दोस्तों, अमेज़न के एड में तो लिखा था कि एक ब्लेड साथ में दिया जाएगा, मुझे तो ब्लेड कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे एलन की है। इसका किस लिए इस्तेमाल होता है ये मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले वायर को खोलते हैं। मशीन के ऊपर स्पीड कंट्रोल व्हील होता है, उससे आप मशीन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। नंबर एक पर स्लो स्पीड होता है, नंबर तीन पर मीडियम स्पीड होता है और नंबर छह पर हाईएस्ट स्पीड होता है। लेकिन आप अपने हिसाब से स्पीड रख सकते हैं। तो दोस्तों, मशीन के साथ ब्लेड नहीं आता है। आपने देखा होगा बॉक्स में ब्लेड कहीं नहीं था, तो मैंने पहले से ही ब्लेड मंगाए थे। मैंने प्रोडक्ट के रिव्यू पढ़े थे, उसमें बहुत लोगों ने बोला था कि मशीन के साथ ब्लेड नहीं आता, इसलिए मैंने ब्लेड मंगाए थे। दो टाइप के ब्लेड मंगाए थे। ये जो पतले वाले ब्लेड दिख रहे हैं वो प्लाईवुड को कार्विंग करने के लिए होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको मशीन कैसे ऑपरेट करनी है इसके बारे में बताता हूँ। फिलहाल मैंने ब्लेड फिक्स नहीं किया है, सिर्फ मैं मशीन का स्पीड टेस्ट करना चाहता हूं। एक नंबर पर स्लो स्पीड होता है, जैसे ये व्हील आप आगे घुमाएंगे स्पीड बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा स्पीड छह नंबर पर होता है। आप जैसी लकड़ी है उस हिसाब से स्पीड रख सकते हैं। दोस्तों, आप ये गोल बटन देख सकते हैं, उसे लॉक ऑन बटन बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको लंबा प्लाईवुड कट करना है तो आपको पहले उस मशीन का ट्रिगर दबाकर मशीन को चालू करनी है और चालू कंडीशन में ही आपको ये गोल बटन दबाना है। देख सकते हैं मशीन चालू कंडीशन में ये गोल बटन दबाना है। उसके बाद आप ट्रिगर दबाए बिना मशीन को चालू कंडीशन में रख सकते हैं और आपको ये मशीन बंद करते समय ट्रिगर को फिर से दबाना है तो मशीन बंद हो जाएगी। फिर से देखिए, ये बटन प्रेस करना है, चालू कंडीशन में प्रेस करना है और ये आप चालू रहेगी। बंद करते समय उस ट्रिगर को दबाना है, ये बंद होगा। दोस्तों, इस स्विच को वैक्यूम पोर्ट स्विच बोलते हैं। आपको वैक्यूम पाइप यहां से कनेक्ट करना है। लकड़ी कटिंग करते समय लकड़ी की जो डस्ट होती है वो आगे की तरफ ब्लो हो जाती है, तो वो आपको यहां से जब आप वैक्यूम पाइप कनेक्ट करेंगे तो इस स्विच को आपको आगे स्लाइड करना है और जब आप वैक्यूम पाइप नहीं लगाते हो तो स्विच को पीछे स्लाइड करना है। फ्रेंड्स, आप नीचे ये दो स्क्रू देख सकते हैं,
पहले इसको हम खोलते हैं, इस एलन की के सहायता से हम इसे थोड़ा लूज करेंगे। दोस्तों हमें अगर लकड़ी की क्रॉस एंगल में कटिंग करनी है, जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 15 डिग्री, तो आप इस बेस का एंगल चेंज कर सकते हैं। आप यह देख सकते हैं, यहाँ अलग अलग एंगल्स के नंबर्स लिखे हुए हैं, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। आपको जिस एंगल में कट करना है उसको फिक्स करके इस स्क्रूज को टाइट करना है। अब आप जिस एंगल में कट करना चाहते हैं वैसे कट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने 45 डिग्री में सेट किया है, तो मैं 45 डिग्री एंगल में लकड़ी को कट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इस बेस को फिर से नॉर्मल लेवल पर फिक्स करता हूँ। दोस्तों अब वक्त आया है ब्लेड को मशीन में किस तरह से फिक्स किया जाता है। आप देख सकते हैं ये टी शैंक ब्लेड है, वैसे अलग अलग टाइप के ब्लेड्स होते हैं, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हमें इस स्क्रूज को थोड़ा लूज करना है और यहाँ से ब्लेड को अंदर इंसर्ट करना है। ये अंदर को ये जो खाचा दिख रहा है वह ब्लेड को इंसर्ट करना है। पहले इस स्क्रूज को लूज करते हैं। दोस्तों ब्लेड लगाते वक्त सबसे पहले हमें स्विच बोर्ड से मशीन का प्लग बाहर निकाल के रखना है। सिर्फ बोर्ड का स्विच ऑफ नहीं करना बल्कि प्लग भी बाहर निकालना है। स्क्रूज को थोड़े से लूज करना है, ज्यादा नहीं, और उसके बाद इस ब्लेड को अंदर इंसर्ट करना है। आप देखिए किस तरह से मैंने उस खांचे में डाला है, और मेक श्योर कि ठीक तरह से अंदर गया है, वरना कटिंग के वक्त निकल सकता है, और उसके बाद ही आपको स्क्रूज को टाइट करना है। दोस्तों अब हम बाहर चलते हैं, वहां मैं आपको लकड़ी काट के दिखाता हूं। तो चलिए दोस्तों, लकड़ी काटते समय लकड़ी की काफी डस्ट उठती है, तो आपको मास्क पहनना है, और आपके पास अगर सेफ्टी गॉगल है तो जरूर पहने। आप देख सकते हैं एकदम प्लेन कटिंग हुई है।
दोस्तों अब मैं आपको प्लाईवुड कट करके दिखाता हूँ। मैं अभी वही ब्लेड का इस्तेमाल करूंगा जिससे मैंने लकड़ी काटी है। तो दोस्तों आपने देखा कितना जल्दी प्लाईवुड कट हुआ है और वो भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। दोस्तों अब हम प्लाईवुड को कर्व शेप में कट करते हैं। आप डिजाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन फिलहाल मैं एक सिंपल कर्व शेप डिजाइन ड्रॉ करता हूँ। दोस्तों उसके लिए हमें पहले वाले ब्लेड को निकालना पड़ेगा और उसके बदले हमें प्लाईवुड को डिजाइन में कट करने के लिए जो अलग ब्लेड लगता है उसे हम लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें प्लग को निकालना है, ये सेफ्टी लेना काफी जरूरी होता है वरना काफी सीरियस इंजरी हो सकती है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो बड़ा वाला है उससे हमने लकड़ी काटी थी और ये अब छोटा वाला है उससे हम अब प्लाईवुड को कर्व शेप में कट करेंगे। दोस्तों आपने देखा कितनी क्लीन कटिंग हुई है और आप जैसे चाहे उस डिजाइन में प्लाईवुड को कट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे इस डिजाइन की कोई जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसे निकाल देता हूं। दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि मैं जब नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। उसके लिए पैसे बिल्कुल नहीं लगते।
तो दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बाय बाय।